सोलो गाइस, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए आपके लिए दो स्मार्टफोन का कंपैरिजन वीडियो, जो कि अंडर 40,000 के रेंज में आता है दोस्तों, जो कि है हमारा रिसेंटली लॉन्च हुआ वो मॉडल ऑनर का ऑनर 90, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम है और 40,000 में काफ़ी तबाही मचाने वाला फ़ोन है। और एक है हमारे पास दोस्तों थोड़ा पुराना मॉडल है, जो कि वीवो V27 Pro, लेकिन पुराना होने के कारण ये नहीं कि फ़ोन ये ख़राब है, लेकिन अभी भी कंपैरिजन इसका काफ़ी टर्म कंपटीटर रहा है इसका, कोई भी इसके आगे पीछे नहीं, क्योंकि इसका लुक एंड डिज़ाइन, प्रोसेसर और डिस्प्ले क्वालिटी और कैमरा तो कोई कहने दोस्तों। तो आज हम इस दोनों का कंपैरिजन वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप अपने लिए 40,000 तक बजट का फ़ोन आप लिए खोज रहे हैं, आप चाहते हैं कि कैमरा परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस आपको करे दोस्तों, ये दोनों में से कौन सा बेटर फ़ोन होगा आपके लिए वो हम आपके लिए बताएंगे दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एंड में लास्ट में जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो बिना किसी देरी के कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारे हाथ में दोनों ही फ़ोन, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में Vivo V27 Pro और ये है लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रिसेंटली लॉन्च ऑनर का ऑनर 90, जो कि दोनों ही फ़ोन दिखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है दोस्तों। तो इन हैंड फीलिंग दोनों का काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा लेंथ की बात करें तो वीवो थोड़ा सा बड़ा आपको इन हैंड फील ज़्यादा महसूस होगा और ऑनर का फ़ोन थोड़ा सा आपको शॉर्ट फॉर्म लीट होगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले थोड़ा सा आपको शॉर्ट है इसके कंपेयर में। कैमरा मॉड्यूल की बात करें दोस्तों, साइड बाई साइड दोनों में एक साथ देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा बटन जैसा कैमरा आपको इसमें दिया हुआ है, अंडे का आकार का जैसा, और यहाँ पर वीवो का थोड़ा छोटा छोटा आपको कैमरा इसमें दिया हुआ है। तो दोनों में से लुक एंड डिज़ाइन किसका लग रहा है दोस्तों आपको अच्छा बेटर, प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा। इन हैंड फील की बात करें थोड़ा सा Vivo V27 से ऑनर का 90 थोड़ा सा बल्कि है, थोड़ा सा सॉरी बल्कि नहीं बोलेंगे इसको दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये मोटा फोन फील होता है और यहाँ पे यही स्लिम सेट है। दोनों के बैक साइड में आपको ग्लास फिनिशिंग आपको मिल जाता है जी मैट फिनिशिंग के साथ। हालांकि Vivo V27 Pro में एक एडवांटेज है, इस फोन को अगर आप धूप में लेके जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, जो कि यूनिकनेस बनाता है किसी भी स्मार्टफोन में। इंडियन ब्रांड में कलर चेंजिंग फ़ोन होने वाला सिर्फ एक ही ब्रांड है, Vivo V27 Pro। और बढ़ते हैं दोस्तों फिजिकल ओवरव्यू की, तो दोनों ही फ़ोन के राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन मिल जाता है, ऊपर के साइड में सेकेंडरी माइक्रोफोन और कुछ भी नहीं है दोस्तों। नीचे के साइड में आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है दोस्तों डेडिकेटेड सिम ट्रे मिल जाता है, जो कि दोनों नैनो सिम के साथ मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा सकते हैं। स्पीकर आपको दिया हुआ है दोनों ही फ़ोन में आपको, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। ये फिजिकल ओवरव्यू रहा दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारी फाइनली डिस्प्ले की तरफ। तो कंपनी ने दोनों ही फ़ोन में जो डिस्प्ले दिया हुआ है, दोनों ही फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि आपको दोनों में टच रिस्पॉन्स का कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स करता है दोस्तों Vivo V27 भी ऑनर 90 भी, और टच इन हैंड फील जब काफ़ी अच्छा है। दोनों ही फ़ोन में आपको काफ़ी पंची कलर प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। बात करते हैं ऑनर में, इसमें स्क्रीन का स्क्रीन साइज बता दें दोस्तों, ऑनर में आपको जो डिस्प्ले स्क्रीन साइज मिलता है वो 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले विथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। हालांकि एक ऑनर में एक एडवांटेज ये है कि जो कर्व डिस्प्ले है वो चारों साइड से आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, जो कि इन प्राइस रेंज में सबसे यूनिक फ़ोन आपको मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आपको बेजल भी काफ़ी पतले पतले और छोटे छोटे दिए हुए हैं, जो आपको दिखने में व्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है दोस्तों, वही पंच होल डिस्प्ले के साथ यहाँ दिया। वहीं Vivo V27 Pro की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको कंपैरिजन Vivo ऑनर 90 के साथ आपको कंपेयर, तो इसका स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा है 6.78 इंच के साथ 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले सेट आपको फ़ोन मिल जाता है। तो 3D कर्व डिस्प्ले दिया हुआ है, इसका भी पतले पतले बेजल्स आपको दे देते हैं और कर्व डिस्प्ले इसका काफ़ी स्मूथनेस आपको फील होता है दोस्तों, ये डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो गया। और वहीं पे बात करते हैं दोस्तों, जब भी आप इसको अपने YouTube से वीडियो प्ले करेंगे तो देखते हैं कौन सा वीडियो सपोर्ट करता है दोनों ही फ़ोन में। एक चीज़ दोस्तों ये देख लीजिए कि दोनों ही फ़ोन में अगर आप YouTube से वीडियो देखते हैं तो दोनों ही फ़ोन में आप 4K में यानी कि HDR में आप वीडियो प्ले कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कलर सेंस की बात करते तो दोनों फ़ोन में लगभग सिंगल ही आपको मिलता है, तो व्यू एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा बेटर लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट जरूर बताइए। दोनों ही फ़ोन में कोई आपको डिफरेंस नहीं मिल रहा दोस्तों, व्यू एंगल दोनों ही फ़ोन में सेम है, एक्यूरेट है, कलर्स काफ़ी पंची आपको मिल जाते हैं दोस्तों। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों ही फ़ोन में जो स्पीकर मिल जाता है, दोनों ही फ़ोन में सिंगल स्पीकर ही मिलता है, ऑनर के फ़ोन में भी और इसमें भी, दोनों में कोई भी फ़ोन में आपको स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की तरफ, तो कंपनी ने दोनों ही फ़ोन में जो प्रोसेसर दिया, दोनों ही फ़ोन में अलग अलग प्रोसेसर मिल जाता है, मानने कि दोनों ही फ़ोन में अलग अलग प्रोसेसर है।
जो कि है वही वीवो की बात कर दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है मीडिया टेक का डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर पर वर्क करता है और 3.1 गीगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड आपको मिल जाता है। एंड्रॉयड 13 मिल जाता है दोस्तों, 8 GB के इसके साथ वेरिएंट स्टार्ट होता है, 8128, 8256 और 12256, टोटल 3 वेरियंट आता है वीवो के फ़ोन में। वहीं आपको ऑनर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर मिल जाता है वो भी स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे ये 4 नैनोमीटर पे ये भी बेस्ट काम करता है। और दोनों ही फ़ोन के प्रोसेसर में कंपेयर किया जाए तो AnTuTu स्कोर इसका लगभग 6 लाख के करीब आता है, इसका 8.5 लाख के करीब आता है दोस्तों। तो बेंचमार्क स्कोर में दोनों ही फ़ोन में से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको वीवो V27 Pro में मिलेगा। आप इसका कंपेरिजन देख सकते हैं ऑनलाइन में, डायमेंसिटी 8200 वर्सेस आप ये 7 Gen 1 के साथ। वहीं आपको दोनों ही फ़ोन में लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 13 मिल जाता है। ऑनर के फ़ोन में दो वेरिएंट मिलते हैं, 8 GB 256 GB और 12 512 GB वेरिएंट, जो कि 40,000 में इसका आता है और इसका स्टार्टिंग प्राइस 38,000, इसका भी स्टार्टिंग प्राइस 38,000 में आपको आ जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही फ़ोन में दो डिफरेंस मिलेगा, ऑनर के फ़ोन से ज़्यादा बेटर आप वीवो V27 Pro में परफॉर्मेंस मिला प्रोसेसर के साथ। प्लस वहीं दोनों ही फ़ोन के बैटरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 4600 mAh के साथ 67 वाट का फास्ट चार्जर आपको सपोर्ट करता है। वहीं ऑनर की बात करें, इसमें 5 mAh की बैटरी के साथ 67 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है दोनों ही फ़ोन में, लेकिन ऑनर के फ़ोन में आपको चार्जर मिसिंग मिलेगा दोस्तों, अलग से आपको चार्जर परचेस करना पड़ेगा। वहीं आप बात करते हैं दोस्तों कैमरा की, जो मेन हाईलाइट कैमरा दिया हुआ है, ऑनर का कहना है कि इसमें आपको 200 MP का मेन कैमरा, 12 MP का वाइड एंगल, 2 MP का आपको अल्ट्रा ये माइक्रो कैमरा आपको मिल जाता है। वहीं वीवो V27 Pro में 50 MP का मेन सेंसर है, 8 MP का वाइड एंगल कैमरा है और 2 MP का आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है सोनी यानी कि डेप्थ सेंसिंग के लिए। और वहीं फ्रंट कैमरा दोनों ही फ़ोन में 50 MP का कैमरा आपको दिया है। तो दोनों ही फ़ोन में से कैमरा किसका ज़्यादा बेटर है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने दोनों ही फ़ोन के कैमरा से फ़ोटो क्लिक करके देखा है, ये वाइड एंगल में खींचा हुआ दोनों ही फ़ोन से, दोनों ही फ़ोन में आपको कलर एक्यूरेसी आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिले, यहाँ पे थोड़ा सा येलो स्टोन मिलता है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेड स्टोन मिलता है ऑनर के फ़ोन में आपको दोस्तों। तो वहीं आपको डिटेलिंग की बात करें दोस्तों वाइड एंगल कैमरा में, वीवो V27 में आपको ज़्यादा डिटेलिंग मिलता है कंपेयर टू ऑनर के फ़ोन में, हालांकि इसमें 12 MP कैमरा, यहाँ पे 8 MP का वाइड एंगल कैमरा दिया हुआ है और थोड़ा सा ये ब्लरी टाइप का भी हो गया है। यहाँ पे वाइड एंगल कैमरा वीवो का V27 Pro का ज़्यादा बेटर है दोस्तों। वहीं आपको नॉर्मल फोटोज़ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको डिटेलिंग के मामले में 19-20 का फ़र्क है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ऑनर के फ़ोन में आपको थोड़ा सा रेडी स्टोन मिलता है, हालांकि डिटेलिंग के मामले में वीवो V27 Pro का ज़्यादा बेटर परफॉर्म करके आता है नॉर्मल कैमरा में। वहीं पोर्ट्रेट मोड की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही फ़ोन में आपको कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है, हालांकि देखने में ऑनर के फ़ोन में ज़्यादा कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिली, यहाँ पे थोड़ा सा येलो स्टोन मिल रहा है दोस्तों ऑनर के फ़ोन में, लेकिन सॉरी वीवो के फ़ोन में। लेकिन एक एडवांटेज यहाँ पे ये मिलता है वीवो के फ़ोन में कि जो बैकग्राउंड जो ब्लरनेस है उसको शॉर्ट रिफोकस कर सकते हैं, यानी कि फोकस आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ़ोटो खींचने के बाद का प्रोसेस है, आप इसका ब्लरनेस घटा बढ़ा सकते हैं, जो कि नॉर्मल जल्दी फ़ोन किसी फ़ोन में रहता है, नॉर्मल सैमसंग के फ़ोन में और रेडमी के फ़ोन में आपको मिलता है, बाकी वीवो यहाँ आपको इस फ़ोन में मिल जाता है जो कि आपको ऑनर के फ़ोन में आपको मिसिंग है। तो कैमरा क्वालिटी किसका ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं पे आपको फ्रंट सेल्फी की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा में 50 MP का आई ऑटो फोकस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, हालांकि देखने में ऑनर के फ़ोन में ज़्यादा बेटर मिल जा रहा है दोस्तों। लेकिन डिटेलिंग के मामले में देखा जाए तो ऑनर से ज़्यादा आपको वीवो V27 Pro में कैमरा क्वालिटी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। ये ब्लर कैमरा में दिया हुआ है, अब ब्लरिंग भी इसमें ज़्यादा आपको मिल रहा है वीवो V27 Pro में। वहीं नॉर्मल कैमरा की बात करें दोस्तों, नॉर्मल कैमरा में आपको दोनों फ़ोन में डिटेलिंग इनफ मिलता है, कलर सेंस आपको दोनों फ़ोन में डिफरेंट मिलता है, यहाँ थोड़ा सा येलो से यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश आपको मिल जाता है और कैमरा क्वालिटी दोनों फ़ोन का ज़बरदस्त है दोस्तों। वहीं दोस्तों वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही फ़ोन के बैक कैमरा में आप बता देते हैं दोस्तों कि अपने कितने पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पहले तो वीवो V27 Pro की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मैक्स में 4K में 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विथ OIS के साथ, जो कि यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है, जो कि 4K तो है विथ 60 FPS मिल जाता है दोस्तों, और 1080p में 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं ऑनर के फ़ोन में देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको 60 का सपोर्ट नहीं मिलता है, नॉर्मल 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं
दोनों ही फ़ोन के आपको फ्रंट कैमरा की बात किया जाए तो दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा में 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया है, तो वहीं वीवो V27 Pro में 4K में 60 fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अगेन यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाता है। वहीं ऑनर की बात किया जाए तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में फ्रंट कैमरा में 4K है, लेकिन अगेन 30 fps सपोर्ट करता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दोनों ही फ़ोन में कैमरा क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, आप देख सकते हैं दोस्तों 4K दोनों ही फ़ोन में, लेकिन 60 fps वीवो V27 Pro मिल जाता है। प्लस वहीं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में ब्यूटी मोड मिल जाता है आपको ऑनर के फ़ोन में दोस्तों, वहीं पे आपको इसमें मिल जाता है। लेकिन वीवो के फ़ोन में एक एडवांटेज ये है कि इसके फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा में दोनों ही में आपको पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है वीवो V27 Pro में, जो कि यहाँ पे हमने आपको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हमें मिसिंग लग रहा है, जो कि ऑनर के फ़ोन में हमको लगता है सिर्फ बैक कैमरा में पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि फ्रंट कैमरा में यहाँ पे मिसिंग मिलता है। वहीं आपको मल्टी फंक्शन की बात करें दोस्तों, दोनों ही फ़ोन में आपको सिग्नल मिलता है, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं आप, माइक्रो मोड, मूवी मोड मिल जाता है, जो कि आपको मल्टी वीडियो के नाम से आपको मिलता है। वीवो के फ़ोन में एक एडवांटेज ये कि छोटा छोटा रील्स अगर बनाना चाहते हैं एक से एक आपको मूवी मोड इसमें मिल जाता है। वहीं डुअल व्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें आप दोनों ही फ़ोन में कर सकते हैं, बैकग्राउंड फ्रंट एंड बैक कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोनों ही फ़ोन में, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। ऑनर के फ़ोन में एक एडवांटेज ये है दोस्तों कि यहाँ पे आप बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा में आप जूमिंग वगैरह कर सकते हैं डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग में, जो कि वीवो के फ़ोन में थोड़ा सा मिसिंग आपको लग रहा है दोस्तों। शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं ज़्यादा, और मोड ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्लो मोशन, पैनोरमा मोड और आपको माइक्रो मोड, क्लट मोड, स्टोरी मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि वीवो फ़ोन में लगभग आपको सिग्नल में एक एडवांटेज ये है दोस्तों वीवो V27 Pro में कि आपको स्लो मोशन वगैरह सब चीज़ मोड मिलने के बाद यहाँ पे एक कैमरा का एडवांटेज दिया हुआ है सुपर मून मोड, यानी कि आप चांद का फोटो आप लेना चाहते हैं तो बेहतरीन क्लिक आपको यहाँ पे मिल जाता है एक एडवांटेज के साथ। तो दोस्तों कैमरा क्वालिटी यहाँ पे भी अगेंस्ट वीवो V27 Pro का ज़्यादा बेटर निकल के आता है। अब बात करें दोस्तों प्राइसिंग की, तो दोनों ही फ़ोन स्टार्टिंग रेंज है आपको 38,000 में, तो 38,000 में एक एडवांटेज ये मिलता था कि ये 8256 के साथ वेरियंट के साथ आता है, और इसका 8128 40,000 में 8256 मिल जाता है, और 43,000 में 12256, और यहाँ पे 40,000 में 12 GB प्लस 12 GB के साथ 512 GB रैम आपको इंटरनल मिल जाता है मेमोरी कार्ड के साथ। यहाँ पर रैम रोम में थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है ऑनर के फ़ोन में। वहीं ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए, प्रोसेसर देखा जाए, लुक एंड डिज़ाइन, इन एंड फिलिंग, कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी, थोड़ा सा वीवो V27 Pro ऑनर के 90 से ज़्यादा परफॉर्म आपको निकल के आता है दोस्तों। तो ये हमारा फाइनल डिसीजन आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट जरूर बताएं। मुझे तो पर्सनली अगर देखा जाए ओवरऑल सारा परफॉर्मेंस देखने के बाद वीवो V27 Pro अगेन आगे निकल के आ जाता है दोस्तों, कैमरा ज़्यादा बेटर आपको मिल जाता है। प्लस अगेन ये न्यू ब्रांड है, ये आपको वीवो वीवो जो है आपका नॉन ब्रांड है, जो कि आपको अगेन सारे जगह आपको सर्विस अच्छे तरह से प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप ये फ़ोन खरीदते हैं तो दोस्तों। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जरूर बताइए दोस्तों किसका फ़ोन ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।